ओम शांति। आज का मेडिटेशन है रोज सवेरे परमात्मा से लेना है यह एक वरदान। इस एक वरदान में सभी वरदान समाये हुए हैं। आज हम एक विशेष वरदान का अभ्यास करेंगे। हम परमात्मा द्वारा वरदान लेंगे अशरीरी भव। अंतिम विनाश काल में जब चारों तरफ हलचल होगी, चारों ही तरफ से पेपर होंगे, वह चाहे शरीर से हो, संबंधों से हो, वैभव या पांच तत्वों से हो, इन अंतिम परिस्थितियों में सेफ रहने का साधन है। एक सेकेंड में मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इस अभ्यास से ही हम अंतिम विनाश काल में सेफ रहेंगे और पार्श्विद ओनर बनेंगे। पूरे ज्ञान का सार है अशरीरी भव। इस एक अभ्यास में सभी वरदान समाये हुए हैं। लंबे काल की प्रैक्टिस ही हमें अंतिम पेपर में पास करेगी और हम सेफ रहेंगे। बाबा ने मुरलियों में कहा है, जो लंबा काल अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वह स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। कर्म करते भी बीच बीच में हमें चेक करना है, क्या हम अपने संकल्पों को एक सेकेंड में फुल स्टॉप देकर अशरीरी बन सकते हैं। यही अभ्यास सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। तो यह मेडिटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एकाग्र करेंगे अपने ब्रेन के मध्य में। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, अशरीरी आत्मा हूँ। जैसे अपने मस्तक रूपी गुफा में मैं एकाग्र चित हूँ। कोई संकल्प नहीं, बस मैं अशरीरी आत्मा। शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। मैं अशरीरी आत्मा। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अभी हम फील करेंगे, मैं आत्मा स्थित हूँ अपने फरिश्ता स्वरूप में, अपने लाइट के शरीर में, और एक सेकेंड में मैं फरिश्ता पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। चारों तरफ सफेद प्रकाश, हमारे सामने परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में।
हमें दृष्टि दे रहे हैं। इनके सामने बैठ जाएं और फील करें। उनका वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर है और उन हाथों से दिव्य शक्तियों का प्रकाश निकलकर मुझ आत्मा में समाते जा रहा है। इन हाथों से दिव्य किरणें शक्तियों दुआओं और वरदानों से भरपूर यह प्रकाश अभी बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं। अशरीरी भव अशरीरी भव अशरीरी भव इस वरदान की प्राप्ति से आज से मैं एक सेकेंड में अशरीरी आत्मा बनने की प्रैक्टिस सहज कर सकूंगी। यह वरदान निरंतर मेरे साथ रहेगा। यह वरदान निरंतर मेरे साथ रहेगा और इसी संकल्प में स्थित रहे। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। सभी बंधन जैसे परमात्मा ने खींच लिए हैं। कोई बंधन नहीं। सभी बंधनों से मुक्त हूँ। वह चाहे शरीर का बंधन हो या कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, अपने ही स्वभाव संस्कारों का बंधन, इन सभी बंधनों से मैं मुक्त अशरीरी आत्मा हूँ। कि मैं इन सभी बंधनों से मुक्त अशरीरी आत्मा हूँ। अभी फील करेंगे सूक्ष्म वतन में। मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर समेट कर एक सेकेंड में पहुंच गई परम धाम में। परम धाम शांति धाम में परमात्मा शिव बाबा के पास परमात्मा शिव बाबा से दिव्य प्रकाश निकल मुझ आत्मा बिंदु में समा रहा है। इसी स्थिति में एकाग्र रहेंगे। परमात्मा शिव बाबा से जैसे कंबाइंड हूँ, अशरीरी अवस्था अर्थात जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की
याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था। इस अवस्था में शरीर का भी भान नहीं रहता, ना ही और कोई संकल्प रहते, केवल मैं आत्मा और मेरा बाबा, केवल मैं आत्मा और मेरा बाबा। इसी स्थिति में एकाग्र रहेंगे। मैं अशरीरी आत्मा परमात्मा शिव बाबा के साथ परम धाम में और उनसे दिव्य प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। शांति।